Okay, good morning, all of you. Let's start. And I'm just checking whether the system is perfect or not. Voice, mera sabko. Online me sabko voice aare. Okay. तो बोल बुक नहीं मिला है जा लेके आज जल्दी निकलना पड़ा होगा राइट धूप नहीं मिला होगा चलो गाड़ी से आ दे क्या ही धूप ने को तो पता ही नहीं चलता कलकत्ता में गर्मी कब पड़ता है घर में ए है गाड़ी में ए है पार्किंग लॉट में भी सोच रहा हूँ ए लगा लूंगा टेंटर में ए सी को फर्क नहीं पड़ता है बट हम लोग केयर करते हैं क्योंकि सास भी कभी बहुत ही ठीक है एनी चलो आओ तो लास्ट क्लास में एक डाउट है बाइनियल का कॉन्सेप्ट में डाउट है राइट तो आई जीरो पॉइंट फाइव बाय जीरो पॉइंट फाइव तो दिस इज बेसिकली टू ईयर्स का इफेक्टिव रेट राइट दो साल का इफेक्टिव रेट का क्या मतलब है दो साल का इफेक्टिव रेट का क्या मतलब है कि दो साल में एक बार कंपाउंडिंग होगा जैसे फॉर एग्जांपल इफ दिस इज ट्वेंटी परसेंट तो ट्वेंटी परसेंट का मतलब क्या आज अगर सौ रुपया लगाएगा तो दो साल बाद कितना मिलेगा 120 सौ एक साल बाद कितना मिलेगा नहीं पता निकालना पड़ेगा राइट बट अप्रोक्सीमेटली कितना मिलेगा 10 परसेंट का रिटर्न वेरी गुड क्योंकि तुम लोगों को क्या बोला नॉमिनल इज वॉट आई पी मतलब आई जीरो पॉइंट फाइव आई टू आई फोर नॉमिनल इज एनुअलाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट जबरदस्ती एनुअलाइज किया गया रेट राइट ये एक चीज था अब जैसे इसमें यह समझना पड़ेगा अब जैसे आई जीरो पॉइंट फाइव मेरा कितना आ रहा है टेन परसेंट मतलब एनुअली अप्रोक्सीमेटली आई एम गेटिंग टेन परसेंट एंड टू ईर्स में एक बार कंपाउंडिंग होगा दो साल में जो एक बार कंपाउंडिंग होगा तो कितना रेट मिलेगा इफेक्टिव बीस परसेंट का ठीक है बीस परसेंट का मिलेगा मेरा फैक्टर क्या बनेगा दो साल का फैक्टर क्या बनेगा बताओ फैक्टर नहीं बनाने आएगा तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं दो साल का फैक्टर क्या बनेगा वन प्लस आई जीरो पॉइंट फाइव बाई जीरो रेट इट इज वॉट टू ईयरली रेट तो दो साल का जो रेट है वो क्या है आई जीरो पॉइंट फाइव बाय एंड फैक्टर क्या बनेगा मेरा वन पॉइंट टू दो साल का है अगर एक साल का बनाना होगा तो क्या करेंगे टू दी पावर जीरो पॉइंट फाइव माइनस वन करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा आई आप समझा यही अगर चार साल का है तब हम लोग करेंगे वन प्लस आई जीरो पॉइंट टू फाइव बाय जीरो पॉइंट टू फाइव होल्ड टू दी पावर जीरो पॉइंट टू फाइव सो दिस इज वॉट वन प्लस आई बिकॉज आई जीरो पॉइंट टू फाइव बाय जीरो पॉइंट टू फाइव इज फोर इयर्स इफेक्टिव रेट तो चार साल का अगर मेरे को फैक्टर बनाना होगा तो मैं क्या बनाऊंगा वन प्लस आई जीरो पॉइंट टू फाइव बाई जीरो पॉइंट टू फाइव बस एक साल का बनाना होगा इसलिए पावर में जीरो पॉइंट टू फाइव है यह सबको समझ में आ गया ठीक है सब लोग पास पेपर्स का बुक निकालिए पास पेपर्स का बुक निकालिए तो इसमें जो सेकेंड नंबर जो बुक है जाओ लेके आओ मैट मैंने मिला है कि नहीं मिला है अच्छा ठीक है शेयर करो तुम्हें तो लाया है कौन कौन नहीं लाया पास पेपर्स का बुक उठाओ हर बेंच में एक है तुम लोग दोनों दो है क्या एक दे दो सामने नेक्स्ट क्लास से हर उसमें वो लेके आएगा ठीक है और ट्रैकिंग आई ले लेना एक बार सो इसमें जो पहला वाला जो है वो तो थियरी है दूसरा वाला में आओ सेकंड नंबर बुक में आओ सेकेंड नंबर बुक में आओ जिसको नहीं मिला है जिसको नहीं मिला है क्यू फोरम पे देखना क्यू फोरम पे है क्यू फोरम पे स्टडी मेटेरियल में सॉफ्ट कॉपी में है क्यू फोरम में स्टडी मेटेरियल में सॉफ्ट कॉपी सेक्शन में है ठीक है रिविजन नोट्स के नाम से होगा 2023 एडिशन ठीक है ना इट्स जस्ट अ कंपाइलेशन ऑफ लास्ट 20 अटेम्प्ट्स पेपर्स नथिंग एल्स ठीक है चैप्टर वाइज सेग्रीगेटेड वाइज तो नहीं है टॉपिक वाइज है ठीक है तो अब आइए हम लोग करते हैं थोड़ा क्वेश्चन आयुष गोइंग का प्लीज जो भी डाउट है वो चैट बॉक्स पर डालो अब आज से ना मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलूंगा मैं टर्म बोलूंगा ईयर बोलूंगा और क्वेश्चन नंबर बोलूंगा बिकॉज आई के वेबसाइट पे भी आपको पास पेपर्स मिल जाएंगे अब जैसे आज आप पढ़ रहे हैं फिर जैसे गोविंद का भाई है वो बहुत अच्छा मेरा बहुत फेवरेट स्टूडेंट है वो तो ये उसका भाई है तो अब ये पढ़ने आया पांच साल पांच साल से पांच साल हो गया तो जैसे क्या है कि फिर इसका भी भाई पढ़ने आएगा तब तो गोविंद का बच्चा हो जाएगा तो समझ रहे हो तो ये जो वीडियो है ये रहेगा ठीक है फिर तुम लोग का जो बच्चा लोग जो पढ़ने आएगा फिर वो लोग करेंगे हु इज वॉचिंग दिस वीडियो इन ट्वेंटी थर्टी फोर हिट लाइक ठीक है तो ठीक है चलो आओ तो आइए इसका मैं टर्म बताता हूं सेप्टेंबर uh, टू 2012 ठीक है क्वेश्चन वन समझ जाना तुम लोग आप ये पैटर्न तुम लोगों को समझना पड़ेगा समझ में आया? मैं वापस से बोल रहा हूं पहला वाला थ्योरी है सेकेंड वाले में आइए पहले वाले में आपको थ्योरी क्वेश्चन मिलेगा दूसरा वाला जब आप बुक खोलेंगे तो आपको हल्का हल्का समझ में आने लगेगा ठीक है सितंबर 2012 क्वेश्चन वन ठीक है एंड सिंस सीएम वन जो है ये दो पार्ट से बना हुआ है, टी वन एंड सी फाइव राइट सि वन एंड सीटी फाइव तो ये जो सी टी वन वाला जो पार्ट है ये अभी हम लोग कर रहे हैं तो इसीलिए मैं यहां पर जीरो वन लिख दूंगा स्टार्टिंग में तो क्वेश्चन का कोडिंग कैसे है देखो जीरो वन का मतलब है सी टी वन जब तुम लोग सीएस वन का पैसा देगा मेरे को तो सीएस वन मतलब सी टी थ्री तो उसमें जीरो थ्री हो जाएगा कोड सीएम वन में जब सी टी फाइव करेंगे तो कोड हो जाएगा जीरो फाइव ठीक है ना जीरो वन सेप्टेंबर इज जीरो नाइन ठीक है 2012 का 12 एंड जीरो वन मतलब जो पेपर खोलेगा उसका क्वेश्चन नंबर वन एकदम सिंपल कोडिंग है ठीक है देख लो ठीक है ना अब मैं एक दो बार आप लोगों को रिवाइज कराऊंगा फिर आगे से इसी कोडिंग में बात होगा तो मेरे को यह मत बोलना कि क्वेश्चन नंबर नहीं मिल रहा है कौन सा बुकलेट में व्हाट इज दिस रात में बारह बजे मैसेज करेगा फिर तुम लोग व्हाट द हेल इज दिस यू आर नॉट रिप्लाइंग टू माय चैट्स तो ये वाला समझ में आया सबको ठीक है आओ क्वेश्चन रीड करते हैं तीन नंबर का क्वेश्चन है एन इन्वेस्टर इज कंसिडरिंग टू इन्वेस्टमेंट इट इज अंटी वन डे डिपॉजिट विथ पेज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट फोर परसेंट इफेक्टिव द सेकेंड इज अ ट्रेजरी बिल ट्रेजरी बिल मतलब गवर्नमेंट का बिल बिल मतलब क्या होता है मान लो गवर्नमेंट को जब पैसा उठाना है तो गवर्नमेंट टी बिल्स इश्यू करता है वो शॉर्ट टर्म मनी मार्केट के लिए होता है मनी मार्केट का मतलब क्या होता है कि शॉर्ट टर्म लेंडिंग ये हम लोग को भी दरकार पड़ता है एक सॉर्ट ऑफ लोन समझ लो बट जिसका टर्म बहुत छोटा होता है अप टू सिक्स मंथ्स का ही जनरली लोग ज्यादा करके करते एक साल मैक्सिमम क्योंकि जो बिजनेस साइकिल है ना जिससे एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाता है अभी मेरे पास पांच करोड़ रुपए का फीस आएगा हम पूरा लेके घर खरीद लिया ठीक है मेरा एक्सपेक्टेड था कि छ करोड़ रुपए आएगा पांच करोड़ रुपए आया अप्रैल महीना में हम लेके घर खरीद लिया अब उसको तो अगर मान लो मेरे को वेंडर को पेमेंट करना है मेरे को फैकल्टी को पेमेंट करना है तो वो जो पेमेंट मैं करूंगा अब वो घर का थोड़ी मैं, मैं किचन आप ले लीजिए वैसे तो होगा नहीं तो मेरे को तो लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी चाहिए तो इसीलिए मेरे को पता है मेरे बिजनेस में मेरे को कैश फ्लो पे मेरे को भरोसा है तो इसीलिए मैं क्या करूंगा गवर्नमेंट जैसे मान लो मैं बोलूंगा आप मेरे को आज दस लाख रुपए दो मैं आपको एक महीना बाद लौटा दूंगा दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ये टाइप का जो लेंडिंग होता है ये बहुत होता है बिकॉज बिजनेस इज साइक्लिकल राइट बिजनेस साइक्लिकल होता है अब जैसे मान लो तुमको कैश तुम आगे जाएगा तो तुमको कैश फ्लो मॉडलिंग करना पड़ेगा कैश फ्लो मॉडलिंग क्या बोलता जैसे मान लो मेरा जो छह महीने का फीस है मैं एडवांस में ले लिया बट पेमेंट तो मेरे को धीरे धीरे करके ओवर स्पैन ऑफ सिक्स मंथ्स करना है राइट सो आई माइट फेस अ काइंड ऑफ लिक्विडिटी इश्यू इन द फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स मंथ समझा ना मैं क्या बोल रहा हूं प्रैक्टिकली समझो कि क्या होता है कहां हम लोग का नीड आएगा अब घर में कभी बात हो तो लिक्विडिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है तो ये जो गवर्नमेंट जो होता है गवर्नमेंट भी अपना शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट को जैसे मान लो कोई मार्केट ऑपरेशन करना है कि भाई मान लो बहुत ज्यादा पैसा हो गया है तो पैसा सक करना है या फिर एकदम बहुत ज्यादा पैसा कम हो गया है तो फिर पैसा डालना है तो उस तरीके से गवर्नमेंट ये टी बिल्स का काम करता है ठीक है तो अभी बोला गवर्नमेंट इश्यू करेगा टी बिल तो गवर्नमेंट पैसा लेगा बदले में बिल देगा फिर छह महीने बाद मेरा पैसा मेरे को वापस दे देगा समझ गया इस तरीके समझा ना सब लोग ठीक है ओके तो ये वाला क्वेश्चन रीड करिए बोलता है कैलकुलेट द एनुअल सिंपल रेट ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम द ट्रेजरी बिल इफ बोथ इन्वेस्टमेंट्स आर टू प्रोवाइड द सेम इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न कुछ नहीं है मेरा बात ध्यान सुनो कुछ भी नहीं है दोनों को इक्वेट करना है पहले वाले में क्या बोला था चार परसेंट ना सिंपल इंटरेस्ट है क्या हा कंपाउंड इंटरेस्ट है सो बेसिकली वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो फोर चार परसेंट बोला है ना टू दी पावर नाइन्टी वन बाई थ्री सिक्सटी फाइव नो दिस विल बी इक्वल टू वॉट ये क्या है नाइन्टी वन डेज का अक्यूमुलेशन फैक्टर है अब इधर में नाइन्टी वन डेज का अक्यूमुलेशन फैक्टर ही आना चाहिए बट यूजिंग वॉट सिंपल डिस्काउंट सो वन माइनस एन कितना है नाइन्टी वन बाय थ्री सिक्सटी फाइव इन टू डी टू दी पावर वॉट जल्दी बोलो ये तो डिस्काउंटिंग फैक्टर हो गया ना वी कैन नॉट इक्वेट अक्यूमुलेशन फैक्टर एन डिस्काउंटिंग फैक्टर टू दी पावर माइनस वन एक्सीलेंट टू दी पर माइनस वन अब इसको सॉल्व करिए कुछ भी नहीं किया है एकदम कुछ भी नहीं किया है नाइन्टी वन डेज का नाइन्टी वन डेज का ये था आप लोग गलत बोल रहे हैं पूर्वी बंग रॉन्ग क्योंकि पेज नंबर चेंज होगा द होल बुकलेट इज डिवाइडेड इनटू थर्टीन पार्ट्स तो बार बार पेज नंबर चेंज होंगे राइट तो इसीलिए एकदम ध्यान से उसको थोड़ा इधर उधर करो तो तुमको समझ में आएगा अभी हम लोग बुक टू में है बुक टू क्वेश्चन सोल्यूशन क्वेश्चन सोल्यूशन इस फॉर्मेट में है ये वाला सबका समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं यस और नो जल्दी बोलिए अरे बोलता ही नहीं यार तुम लोग अरे बोलो हां ठीक है ना कितना आ रहा है आंसर बताइए पहले तो इसको पूरा सॉल्व कर लो फिर ये वन बाय हो जाएगा ये वन बाय हो जाएगा राइट ये उधर चला जाएगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा ठीक है सॉल्व करिए इसको पूरा को जैसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं वन माइनस 91 वन बाई थ्री सिक्सटी फाइव इंटू डी इज इक्वल टू वन पॉइंट जीरो फोर टू दी पावर माइनस 91 वन बाय थ्री सिक्सटी फाइव इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू कितना आ रहा है डी का वैल्यू मिला भी लेना पीछे से कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ठीक है बोलो 0.039 00 0.039 सबका यही आ रहा है पीछे ये आंसर दिया है क्या पीछे से मैच करो पीछे से मैच करो आ रहा है सबका ये बोलो एकदम स्लो जाएंगे अकेले आगे बढ़ने में जीवन में कोई मजा नहीं है जब सबको साथ लेके चलेंगे तो ही कुछ वैल्यू क्रिएशन होगा ठीक है ना यही है चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग कुछ भी नहीं किया यहां पर मैंने क्या किया है दो अलग अलग टाइप का चीज दिया था दोनों का सेम अक्यूमुलेशन फैक्टर इज वन मे डिस्काउंटिंग फैक्टर से इक्वेशन बनाया है इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू ठीक है ओके आगे बढ़ते हैं ठीक है आइए अब मैं कोडिंग दूंगा बार बार मैं नहीं बताऊंगा अब मैं कोडिंग दूंगा ठीक है कोडिंग ये है तुम लोग को खोजना है क्वेश्चन नंबर मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बताऊंगा जीरो वन जीरो नाइन वन टू जीरो टू अब ये कोडिंग दे दिया ना अब समझ जाओ ठीक है सबको मिल गया कोडिंग दे दिया मैंने सी टी वन सेप्टेंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर टू अब इससे क्या होगा ना कोई भी कभी भी कभी भी चाहे तो वो ये बस खाली खोलेगा और वो यहां से देख सकता है समझ गया ना मेरे बात को ठीक है हम लोग की बार मैं झूठ बात नहीं बोलता हूं हम लोग की बार मतलब लास्ट तीस टर्म का पेपर करेंगे थर्टी टर्म्स का पेपर करेंगे ठीक है आईएफओए आईआई दोनों का करेंगे की बार हम लोग ये देख लेना चाहते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आएगा पुराना पुराना सब पेपर के पूरा कर देंगे ठीक है बस चाहिए तो क्या आपका साथ ठीक है चलो आओ ये वाला करेंगे द नॉमिनल रेट ऑफ डिस्काउंट पर एनम कन्वर्टिबल क्वार्टरली तो नॉमिनल रेट ऑफ डिस्काउंट पर एनम कन्वर्टिबल क्वार्टरली का मतलब क्या है नॉमिनल रेट ऑफ डिस्काउंट नॉमिनल रेट ऑफ डिस्काउंट बोल रहा हूं नॉमिनल रेट ऑफ डिस्काउंट पर एनम कन्वर्टिबल क्वार्टरली मतलब क्या है ये डी फोर कितना है बताओ डी फोर है मेरा एट परसेंट नॉमिनल रेट ऑफ डिस्काउंट पर एनम ठीक है नॉमिनल रेट ऑफ डिस्काउंट पर एनम एम कन्वर्टेबल क्वार्टरली मतलब क्या दिया है? मेरे को डी फोर दिया है इसके बाद में इसका जो पहला पार्ट है ये अभी हम लोग नहीं कर पाएंगे इसको स्टार मार्क लगा दीजिए फोर्स ऑफ इंटरेस्ट हम लोग नहीं पढ़े हैं आज के क्लास में जो कॉन्सेप्ट क्लास होगा साढ़े दस बजे से उसमें पढ़ेंगे ठीक है तो आइए दूसरा पार्ट कैलकुलेट द इक्वी वैलेंट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या दिया हुआ मेरे को क्या दिया मेरे को डी फोर दिया क्या निकालना आई तो हम लोग क्या करेंगे वन प्लस आई इज इक्वल टू वन बाय वन माइनस डी फोर बाय फोर होल टू पार फोर इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू यस और नो सबको समझ में आ रहा है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे बताइए दिस इज वन बाय वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो एट बाय फोर होल टू दी पर फोर तो कितना आएगा बताइए ये जो भी आ रहा है मेरे को आई का वैल्यू फाइनल बताइए जीरो पॉइंट जीरो एट फोर वन सिक्स सिक्स ठीक है अब इसके बाद में इक्वी नॉमिनल रेट ऑफ डिस्काउंट पर एनम एम कन्वर्टेबल मंथली नॉमिनल रेट ऑफ डिस्काउंट पर एनम एम कन्वर्टिबल मंथली क्या निकालना है डी ट्वेल्व निकालना है क्या निकालना है इधर बैठो इधर बैठो इसको इसको तो बता देना तो क्या कह रहे क्या निकालना है डी ट्वेल्व तो वन माइनस डी फोर बाय फोर Whole to the power 4 is equal to 1 minus d 12 by 12 whole to the power 12. समझ गया ना इसमें क्या करना है तो ये क्या आ रहा है बताओ 0.98 पॉइंट नाइन एट ना टू दी पावर फोर बाय ट्वेल्व वन माइनस दिस होल इन टू ट्वेल्व इज जी ट्वेल्व कितना आ रहा है इसका आंसर जीरो पॉइंट जीरो एट समझ में आ रहा है अब इसके बाद में अब इसके बाद में अब नेक्स्ट कोडिंग है जीरो वन जीरो नाइन वन थ्री जीरो वन ठीक है हम लोग को आई दिया जीरो पॉइंट जीरो फोर फाइव हम लोग को निकालना है डी फिर उसके बाद में हम लोग को निकालना है d12 फिर उसके बाद में हम लोग को निकालना है i4 the effective rate of interest over a five year period r so 0.2 by 0.2 यही बोला है ना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ओवर अ फाइव इीरियड तो अपने को यह दे दिया और ये सब सब निकालना है तो आई से डी कैसे निकालेंगे एक चीज पहले देखो इधर देखो वी क्या होता है वन माइनस डी राइट सो डी क्या हो जाएगा वन माइनस वी एंड वी क्या है वन बाय वन प्लस आई राइट सो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं वन प्लस आई माइनस वन बाय वन प्लस आई सो दिस इज आई बाय वन प्लस आई इसी से सॉल्व करेंगे अभी हम लोग 0.045 पॉइंट जीरो फोर फाइव बाय वन पॉइंट जीरो फोर फाइव एकदम धीरे धीरे करा रहा हूं सारा क्वेश्चन एक जो क्वेश्चन है वो मेरे पास में बहुत आता है स्पेशली फ्रॉम द स्टूडेंट जस्ट अपियर फॉर क्लास ट्वेल्व एग्जामिनेशन डिस्कस कर रहे थोड़ा कि हम लोग को कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए राइट तो कॉलेज में देखो ये ला हो गया सबका ये ला सबका हुआ ठीक है मैं बताऊंगा येला, ला पहले पहले सम कर लेते फिर आज मैं इसको डिस्कस कर दूंगा ये डी आ गया ना अब d आ गया तो d12 कैसे निकालेंगे वन माइनस डी इज इक्वल टू वन माइनस डी ट्वेल्व बाय ट्वेल्व होल टू दावर ट्वेल्व फिर क्या निकालना था फिर निकालना था i4. सो so अब हम लोग कर सकते हैं वन प्लस आई फोर बाय फोर होल टू दी पावर फोर इज इक्वल टू वन प्लस आई फिर क्या निकालना था आई जीरो पॉइंट टू बाई जीरो पॉइंट टू तो हम लोग करेंगे वन प्लस आई इज इक्वल टू वन प्लस आई जीरो पॉइंट टू बाय जीरो पॉइंट टू ये पांच साल का हो गया सॉरी हाँ ये पांच साल का हो गया राइट तो so, हम लोग यहां पर टू दी पावर जीरो पॉइंट टू करेंगे क्योंकि जब पावर में जीरो पॉइंट टू करेंगे मतलब अब वो एक साल का हो गया कितना आ रहा है डी ट्वेल्व का वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो फोर थ्री नाइन थ्री सिक्स फिर यहां पर आई फोर का वैल्यू आई फोर का वैल्यू कितना आ रहा है बोल जीरो पॉइंट जीरो फिर उसके बाद में आई 0.2 पॉइंट टू बाय जीरो पॉइंट टू फाइव इस का इफेक्टिव रेट निकालने बोला है फाइव ईयर्स का इफेक्टिव रेट निकालने बोला है हम लोग को बताइए क्या होगा बोलिए हो गया ये ला हां सो बेसिकली एक जो क्वेश्चन आता है कि विच कॉलेज सेलाई सेलेक्ट तो कॉलेज में देखो दो चीज होता है एक होता है तुम्हारा कि तुमको कौन सा स्ट्रीम में पढ़ना है और एक होता है कि तुम्हारा कॉलेज का रेपुटेशन ठीक है इन दोनों में डिस्कस करते हैं पहला बात तो एक्चुअल साइंस एज कोर्स तुम इसमें कोई भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री सेलेक्ट कर सकते हैं बीकॉम बीबीए बीएमएस इको मैथ्स ऑनर्स कुछ भी तुम सेलेक्ट कर सकते हो ठीक है तो वैसा कुछ भी नहीं है कि तुम इको मैथ स्टार्ट ही करेगा तो ही तुम्हारा करियर में अच्छा होगा ठीक है बेसिक डिफरेंस ये है कि अगर तुम बीकॉम बीबीए बीएमएस करता है तो टाइम थोड़ा ज्यादा मिलता है पढ़ने का एंड अगर मान लो तुम इको मैथ स्टार्ट करता है तो तुमको तुम्हारे सिलेबस से सिनर्जी थोड़ा ज्यादा मिलेगा सिनर्जी मिलने का मतलब यह है कि तुम जो वहां पर पढ़ेगा और तुम जो एक्चुअल साइंस में पढ़ेगा उसमें थोड़ा बहुत सिमिलैरिटीज होगा बहुत ज्यादा नहीं समझ गया आज जैसे मान लो जो इको ऑनर्स कर रहा है उसका स्टेटिस्टिक्स थोड़ा अच्छा होगा इकोनॉमिक्स में उसको थोड़ा हेल्प हो जाएगा राइट तो बेसिकली थोड़ा बहुत एनर्जी है तो इट्स अप टू यू कि तुमको बीकॉम बीबीए बीएमएस बी, पढ़ना है कि तुमको इको मैथ स्टैट्स पढ़ना है ठीक है तो इसमें जैसे स्ट्रीम है अब जैसे किसी बच्चा का ये है कि भाई मेरे को तो इको ऑनर्स ही करना है मेरे को तो स्टैट्स ऑनर्स ही करना है तो इट इज नॉट कि भाई तुम अभी से सोचो उसके लिए पहले रिजल्ट आएगा रिजल्ट के बेसिस में तुम रैंकिंग करो अपना कॉलेजेस का रैंकिंग करेगा और उसमें जो बेस्ट कॉलेज होगा तुम उसमें ले लेना अब एक होता है यू आर विलिंग टू सैक्रिफाइस ऑन द स्ट्रीम कि भाई मेरे को जो भी मिले एक्चुअल साइंस इज माई प्राइम इंपॉर्टेंस एक्चुअल साइंस को मेरे को एकदम प्राइमरी इंपॉर्टेंस देके करना है मेरे को जो मेरा मार्क्स आया जैसे मान लो तुम्हारा मार्क्स आया 93 परसेंट तो तुम 93 परसेंट के हिसाब से जो जो कॉलेज में शॉर्टलिस्ट हुआ इसमें जैसे मान लो तुमको जो बेस्ट कॉलेज मिल रहा है तुम वो लेगा और उसमें जो स्ट्रीम मिल रहा है तुम वो लेगा बिकॉज स्ट्रीम डज नॉट मैटर टू यू स्ट्रीम अगर तुमको मैटर नहीं करता है मतलब क्या होगा रेप्यूटेशन की भाई जो अच्छा कॉलेज है हम उसमें जाएंगे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। कोई भी फॉर एग्जाम्पल फॉर कैलकाटा स्टूडेंट्स कोई भी कॉलेज में इको ऑनर्स सेंट जेवियर्स में बीकॉम तो जिसको ये है कि मेरे को ऐसा कुछ नहीं है मेरे मेरे को सब चीज चलेगा तो ऑब्वियस आता है बेस्ट अगर इको हो जाता हो तो तो बी बेस्ट फिट वही है तो सोचना है नहीं आई शुड टेक इट आफ्टरनून टाइम होगा वो क्लास मैनेज हो जाएगा तुम रिकॉर्डिंग में कर लो शाम को आके पूछ लो दैट इज समथिंग डिफरेंट बट फर्स्ट इमेज यही है कि जेवियर्स में अगर इको हो रहा है तो मेरे को ले लेना चाहिए ठीक है अब जैसे मान लो ऐसा होता है कि तुमको इको ऑनर्स ही करना है तब इको ऑनर्स के हिसाब से जो कॉलेज में आएगा वो तुमको लेना पड़ेगा समझ रहे कि नहीं बात को। तो ये है जब तुम जॉब के लिए जाता है बहुत कम कंपनीज ऐसी जो बेसिकली ऐसा बोलती हैं कि इको ग्रेड इज प्रेफर्ड ऑल नाउ इज एटीट्यूड ऑफ मैटर करता है तुम्हारा सॉफ्ट स्किल्स बहुत मैटर करता है आने वाले चार सालों में तुमको सिर्फ यही सिखाया जाएगा कि किस तरीके से तुम अपना एटीट्यूड किस तरीके से प्रेजेंटेबल एंड किस तरीके से तुम अपने सॉफ्ट स्किल्स टेक्निकल स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं पेपर एक दो कम चलेगा समझ रहे कि नहीं बट वॉट इज इंपॉर्टेंट इज द राइट एटीट्यूड पॉजिटिव माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ठीक है ना तो ये हुआ उसके बाद में एक और डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरे को अपने होम टाउन में रहकर ही पढ़ना है कि मेरे को बाहर जाना है राइट right? तो उसका भी अगेन दरा लॉट ऑफ प्रोज एंड कॉन्स प्रोज क्या है कि तुम्हारा एक्सपोजर अच्छा होगा कॉन्स क्या है कि हो सकता है तुम अपने जो इंस्ट्रक्टर है तुम उससे थोड़ा दूर दूरी पर रहो राइट आज जैसे मान लो क्या होता है कि जब तुम घर पे रहते हो तो तुम्हारा बहुत सारा ऐसा काम होता है जो पेरेंट्स कर देते हैं जो रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज में जो काम होता है तुमको सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है बट वंस यू स्टेप आउट ऑफ योर होम जब तुम बाहर पीजी में या फिर फ्लैट में रहेगा तो दो घंटा का तो एक्स्ट्रा काम तुमको डेली करना पड़ेगा वही दो घंटा जिसमें तुम पढ़ सकता है जिसमें तुम अपना प्रोफेशनल करियर बना सकता है समझ रहे सो आई फील इज दैट इफ एक्चुअल साइंस ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस एंड वन शुड स्टे इन द होम टाउन अनलेस एंडिल की भाई बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस मेकिंग नहीं है सो फॉर एग्जाम्पल इट डज नॉट मेक सेंस फॉर अ स्टूडेंट फ्रॉम बॉम्बे टू गो टू दिल्ली टॉप थ्री और टॉप फोर और टॉप फाइव कॉलेज एक सर्टेन हद तक ही वो मैटर करता है कि भाई तुम्हारा कॉलेज कौन सा कॉलेज है टॉप फाइव है तो अच्छा है मैंने ऐसा भी कोई प्रेफरेंस नहीं है वन में होगा तो पंद्रह लाख और टू में होगा तो पांच लाख ऐसा नहीं होता है ठीक है ना एक्चुअलीज़ में वॉट मैटर्स एक्चुअल स्किल्स कैसा है सो वेंस योर डिसीजन मेकिंग होगा जब तो एकदम ध्यान से सोचना स्पेशली फर कैलकटा स्टूडेंट्स बिकॉज वो लोग को लगता है कैलकटा में एक्सपोजर उतना अच्छा नहीं है हम लोग को बाहर जाके ही पढ़ना है मेरे सारे फ्रेंड्स बाहर जाके पढ़ रहे हैं बट ऐसा नहीं है इफ़ यू हैचुरल आई डोंट यू शुड गो आउट ऑफ कैलकटा ठीक है ना सो so, ये चीज दिमाग में डाल लेना इट्सो नहीं मेरे को वर्थ नहीं लगता है आज फॉर एग्जाम्पल बाहर का कॉलेज जो वहां पर सिटी वाइज थ्री फोर फाइव रैंकिंग में है तो इससे जो तो अपना सिटी का दो नंबर तीन नंबर में पड़ बात तो एक ही है समझ रहे हैं और ये भी अपना स्ट्रीम को भी सिलेक्ट करना इफ यू आर नॉट वेरी बायस कि नहीं भाई मेरे को यही करना है कि मेरे को आज जैसे मेरा एक स्टूडेंट था मृगांक तो उसका ये था कि भाई उसको इको ऑनर्स ही करना है सो तो ही चोज भवानीपुर में इको ऑनर्स ठीक है बट अगर मान लो उसका उसका जेवियर्स में बीकॉम में हो गया था बट स्टिल ही चोज कि नहीं मेरे को इको ऑनर्स ही करना है सो दैट शुड मैटर की भाई अभी सब ना माइंड में क्लैरिटी लाओ कि मेरे को स्ट्रीम यही करना है मेरे को स्टैट्स ऑन ही करना है ठीक है वहां पर थोड़ा तो टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा और यहां पर क्या है तो तुमको पढ़ने का टाइम ज्यादा मिलेगा नॉर्मली जो बीकॉम कॉलेजेस होते तो हैं उनका चार घंटा पांच घंटा जैसे ही शेड्यूल रहता है एंड टॉकिंग अबाउट द सोसाइटीज इन कॉलेज तुम एक साइड ज्वाइन करो इट्स फाइन बट तुम तीन चार ज्वाइन कर लिया पूरा दिन अड्डाबाजी कर रहा है चिल कर रहा है तो तुम करो वो भी अच्छा है ऐसा नहीं कि वो लोग अपना लाइफ में कुछ नहीं करता है बट फिर क्या एक्चुअलीज नहीं हो पाएगा समझ तो रहे है एक्चुअली सीए जैसा कोर्स के लिए एक फुल टाइम डेडिकेशन वाला चीज है ये ये एक तप है चार साल का ये तपस्या है मतलब कि हाँ चार साल कुछ भी हो जाए हम डिविएट नहीं होंगे द पासिंग रिजल्ट इज रिजल्टी परसेंट देन बाई सो लेस नंबर ऑफ एक्चुअली इज दैट द कंसिस्टेंसी इज द प्रॉब्लम तुम एक साल पढ़ा फिर तुम बोर हो गया फिर तुम बोला अब ये नहीं यार तो चिल करते हैं वैसे नहीं होगा तुमको चार साल लेके चलना पड़ेगा ऐसा नहीं कि जो कॉलेज एक्टिविटीज में पार्ट लेता है उसका अच्छा प्लेसमेंट नहीं लगता उसका अच्छा प्लेसमेंट लगता है बट फिर एक्चुअलीज नहीं हो पाएगा दोनों चीज नहीं हो क्योंकि कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस स्टॉप लगाना पड़ेगा समझ रहे ना तो ये कॉलेज वाला डिसीजन मेकिंग अभी नहीं करके रिजल्ट आएगा जो बेस्ट कॉलेज होगा उसमें ले लेना एंड ट्रस्ट मी माय फ्रेंड इज फ्रॉम जेडी बिड़ला बीबीए डिपार्टमेंट ठीक है तो हम लोग दोनों संघ में उसका जेवीएस का बहुत मन था उसका नहीं वो बट फाइन मतलब आज वो एशियन uh, मार्केट में काम कर रहा है इज डूंग प्री वेल मतलब मेरे को नहीं लगता है कि अगर उसका में होता, तो इट वुड मेड सच अग डिफरेंस इन इज लाइफ बिकॉज इट प्राइम फोकस वॉज एक्चुअल साइंस आज अगर तुम सीए को, को अपना प्राइम गोल मान के चलता है तो वहां पर कॉलेज एक हद तक मैटर करता है कॉलेज का 10, 15% परसेंट मैटर करता है कि हाँ वो लोग देखते हैं कॉलेज का अच्छा टैग है तो एक हल्का सा प्रेफरेंस मिलता है बस बट तुम उस रैंकिंग के पीछे इतना भाग जाएगा कि नंबर वन नंबर टू वैसा नहीं होता एक सर्टन हद तक ही वो मैटर करता है ठीक है हर मेरे को नहीं लगता है जो मेजर सिटीज है हर जगह पे एक अच्छा कॉलेज है इंक्लूडिंग जयपुर बॉम्बे तो लिविंग होम इज अगेन टू टू थ्री आवर्स ऑफ टास्क तो माइंडसेट अपना वैसे ही फ्रेम करो कि घर छोड़ के जाएगा मतलब तीन घंटा तो दिन का तुम्हारा बाकी जो हाउस होल्ड कोर एक्टिविटीज है एंड तुम्हारा पर्सनल भी तुम्हारा चला जाएगा समझ गया एंड इंडिपेंडेंस इज ओके दैट इज ऑल्सो पॉइंट दैट शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड कि हाँ मैं इंडिपेंडेंट बन जाऊंगा बट आई पर्सनली फील की जॉब के लिए बाहर जाना चाहिए या फिर मास्टर्स के लिए बाहर जाना चाहिए मतलब ये जो चार साल आई थिंक यू शुड स्टे एट होम डेवलप सम कोर स्किल्स जो तुमको अच्छा खासा एम्प्लॉयबल बनाएगा एंड देन यू शुड मूव आउट आई दर फॉर अ पोस्ट ग्रेड और मेबी फॉर वर्क ठीक है ना डोंट रन सो फास्ट ठीक है इफ यू वॉन्ट टू क्लियर पेपर एट अ फास्टर रेट गो स्लो ओके सो इट्स यू इट्स यू नीड टू बी वेरी कंसिस्टेंट आठ अटेम्प्ट मिलेंगे आठ बड़े पेपर है समझ रहे ना और पांच छोटे पेपर है तो इट्स क्वाइट इजी एंड इट्स क्वाइट मैनेजेबल ऑल्सो ठीक है ना तो ये था चलो वो वाला क्वेश्चन का आंसर डिस्कस कर लेते एक बार ये तो हो गया था ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट हाँ पार्ट टू पार्ट टू में क्या बोल रहा है पार्ट टू में बोलता है कि एक्सप्लेन वाई और आंसर टू पार्ट वन बी इज हायर देन योर आंसर टू पार्ट वन ए ठीक है, सो so, पहले डिस्काउंट एंड फिर डिस्काउंट पार्ट वन बी इज हायर देखो ये लोग बोल रहे हैं क्यों डी ट्वेल्व इज ग्रेटर देन डी यही बोल रहे हैं ना मैं तुम लोग को एक बात बताता हूं जैसे मान लो ये ऐसा है ना ये अगर मान लो आई ट्वेल्व होता ना तो आई ट्वेल्व जो आएगा आई ट्वेल्व विल बी लेस देन आई अब इसको समझ लो पहले आई वाला समझाएंगे उसका ठीक ऑपोजिट डी होता है ठीक है आई में क्या होता है ये जीरो है ये ट्वेल्व है ये वन टू डॉट 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 ये इलेवन है, ऐसे बारह महीना मैंने बना दिया ठीक है आई का मतलब क्या है पूरा पैसा यहां मिलेगा जैसे मान लो छह रुपया ठीक है पूरा साल में एक ही बार ब्याज मिलेगा एक अप्रोक्सीमेट चीज क्या बोलता है अगर पूरा साल में एक बार छह रुपया मिलेगा इसको डिवाइड बाय ट्वेल्व करो तो क्या होता है जीरो पॉइंट फाइव पचास पैसा तो जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव डॉट डॉट जीरो पॉइंट फाइव तुम लोग बताओ तुम लोग कौन सा चूज करेगा ये वाला चूज करेगा ना ये चूज करेगा बताओ तुम बताओ सेकेंड वाला चूज करेगा क्यों तो क्या पैसा तो एक ही हो गया यहां पर तुम्हारा छह रुपया यहां पर भी छह रुपया क्यों मिलेगा ये नहीं बोलेंगे ट्वेल्व टाइम्स कंपाउंडिंग हो रहा है इफेक्टिवली ज्यादा इसीलिए मिलेगा कि इसमें पूरा पैसा एक साल बाद मिल रहा है इसमें हॉले हॉले करके मिल रहा है इसमें हॉले हॉले करके मिल रहा है हर एक महीना में पॉइंट फाइव मिल रहा है ये छह को बारह भाग में डिवाइड करो तो इसका सारा बारह का बारह भाग का जो पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव है वो मेरे को यहां मिल रहा है बट सेकेंड केस में क्या हो रहा है एक पॉइंट फाइव यहां फिर एक पॉइंट फाइव यहां फिर एक पॉइंट फाइव यहां तो पैसा जल्दी मिल रहा है पैसा जल्दी मिल रहा है राइट पैसा जल्दी मिला हुआ का वैल्यू ज्यादा है पैसा जल्दी मिला हुआ का वैल्यू ज्यादा है।, है समझ रहे ना तो इसीलिए दोनों को सेम अगर करना है लाइक दोनों को अगर सेम करना है तो क्या होगा ये दोनों इक्वल तो नहीं होगा तो इसलिए आई ज्यादा होगा आई ट्वेल्व कम होगा क्यों आई ट्वेल्व कम होगा, यादा होगा। यादा अगर मान ले हम बोलते हैं कि अगर मेरे को हर महीना पैसा देना है ना अगर मेरे को हर महीना पैसा देना है तो हम पॉइंट फाइव नहीं देंगे हम पॉइंट फोर एट देंगे जी समझो हम पॉइंट फाइव नहीं देंगे हम देंगे। क्योंकि पॉइंट फोर एट जब हम देंगे तो पॉइंट फोर एट को जब हम ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करेगा तो वो छह आएगा ना छह से कम छह से कम क्योंकि ये सारा पैसा अक्यूमुलेट होगा अक्यूमुलेट होके उसको छह बनाना है अगर खाली जो कैश फ्लोज है वो छह बन जाएगा तब तो मिसमैच हो गया ना अक्यूमलेट होके छ बनाना है तो अक्यूमुलेट होके अगर छह बनाना है तो पॉइंट फाइव देंगे ना पॉइंट फाइव से कम देंगे पूरा पैसा आज मिल गया एक कैश डिस्काउंट कैश डिस्काउंट का, concept होता है। cash discount का concept क्या बोलता है जैसे मान लो हम लोग ऐसा है नहीं हम लोग लेकिन अगर इंप्लीमेंट करना तो हम लोग कर सकते हैं एक छोटा सा एग्जांपल देता है थर्टी वन थाउजेंड एट हंड्रेड ठीक है हम बोला कि आप एक बार में देंगे तो थर्टी वन थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज लगेगा ठीक है आप इसको अगर तीन बार में देंगे तो कितना ले बोलो तुम देगा बहुत ज्यादा ब्याज हो गया दस हजार छह सौ होता है ना दस हजार छह सौ हां हम बोल रहे दस हजार आठ सौ करके लगेगा ठीक है तो क्या हुआ दस हजार आठ सौ करके कर रहे हैं तो थर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज लग रहे हैं तो एक्स्ट्रा ले रहे हैं अब तुम बोला नहीं हम छह बार में देंगे ठीक है तो छह बार में करके करने से कितना आएगा पांच हजार तीन सौ आता है ना पांच हजार तीन सौ है तो हम बोले नहीं यार पांच हजार तीन सौ नहीं पांच हजार पांच सौ लगेगा सर पैसा का आगे पीछे ले जाने का कॉन्सेप्ट है पांच हजार पांच सौ अगर छह बार हुआ आप समझा कि इकतीस हजार आठ सौ आज वन टाइम अगर तीन महीना में स्प्रेड होके देगा तो थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा छह महीना में स्प्रेड होके देगा तो थोड़ा और एक्स्ट्रा लगेगा समझा क्योंकि मेरे को क्या करना है ये जब छह पेमेंट्स को पुल बैक करेंगे तो कितना आना चाहिए थर्टी वन एट हंड्रेड ये तीन पेमेंट को जब पुल बैक करेंगे तो क्या आना चाहिए थर्टी वन एट हंड्रेड इसीलिए डी ट्वेल्व इज ग्रेटर देन डी डी मतलब पूरा पैसा आज डी ट्वेल्व मतलब हॉले हॉले करके बारह बार में तो जो हॉले हॉले करके बारह बार में आएगा उसका पीवी को सेम करना है उसका पीवी को सेम करना है तब जाके वो डी के बराबर आएगा ठीक है ना हम लोग आगे जब एडवर्टीज करेंगे तो ये यह बेटर समझ में आएगा बट मोटा मोटी कॉन्सेप्ट यही है कि पूरा पैसा आज मिल गया बढ़िया है कि फ्यूचर में तो फ्यूचर में मिल रहा है तो रिस्क भी तो है एक दो इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट कर गया तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया तो कुछ भी तो हो सकता है तो इससे टान रहे हैं तो टानने से वैल्यू सेम आना चाहिए इसीलिए वो ज्यादा है ठीक है ना बिजनेस में होता है कि अगर आप पैसा इंस्टेंट देंगे तो दस डिस्काउंट अगर आप पैसा आ, दो दिन के अंदर देंगे तो आठ परसेंट डिस्काउंट दस दिन के अंदर देंगे छह परसेंट डिस्काउंट अगर आप ऐसा पंद्रह दिन में देंगे तो पांच परसेंट डिस्काउंट देखो हम लोग का बिजनेस अलग है हम लोग का एज ए बिजनेस नहीं है बट जो क्लोदिंग इंडस्ट्री है तो क्लोदिंग इंडस्ट्री में क्या होता है ना ह्यूज कैपिटल इज एम्प्लॉइड पांच करोड़ रुपया लगाया ठीक है पांच करोड़ का माल बनाया और उसको छ करोड़ में बेच दिया अब अगर सामने वाला पार्टी पैसा नहीं देगा तो तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास वापस नहीं आएगा अगर तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास वापस नहीं आएगा तो तुम रोलिंग कैसे करेगा रोलिंग का मतलब क्या होता है अगर ए क्या करे तुम ये क्या करे तुम वट इज दिस क्या देख रहा था फोन में दिखाओ किसका इंस्टाग्राम क्या बोल रहे हो लोग चलो हुक्का पीने तो क्या चाय ब्रेक क्या पढ़ने तो नहीं बोल रहा होगा नोटिफिकेशन में तो इसीलिए ठीक है चलो नेक्स्ट इसके बाद जीरो वन जीरो फोर फोर्टीन जीरो थ्री ठीक है सिटी वन अप्रैल फोर्टीन क्वेश्चन नंबर थ्री नाइन हंड्रेड अक्यूमुलेट्स टू नाइन ट्वेंटी फाइव इन फोर मंथ्स द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एन एम कन्वर्टेबल हाफ ईयरली ठीक है एक काम करो बोलते हैं नाइन हंड्रेड वन प्लस आई टू दी पावर फोर बाई ट्वेल्व इज नाइन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव ठीक है पहले आई निकाल लो फिर बाकी सब निकाल लेंगे ठीक है तो यहां से आई कैसे निकालेंगे वन प्लस आई टू दी पावर फोर बाई ट्वेल्व इज नाइन ट्वेंटी फाइव बाय नाइन हंड्रेड सो वन प्लस आई is about 925 by 900 to the power 12 by 4 aur i nikal lo fir ye wala hua iske baad mein the nominal rate of interest per annum convertible half yearly the nominal rate of interest per annum convertible half yearly matlab i2 nikalna hai to i se i2 कैसे निकालेंगे 1 plus i इज इक्वल टू वन प्लस आई टू बाय टू का स्क्वायर ठीक है द नॉमिनल रेट ऑफ डिस्काउंट पर एन एम कन्वर्टेबल क्वार्टरली तो नॉमिनल रेट ऑफ डिस्काउंट पर एन एम कन्वर्टेबल क्वार्टरली इज वॉट वन प्लस आई इज इक्वल टू वन बाय वन माइनस डी फोर बाय फोर होल टू दर फोर द नॉमिनल रेट ऑफ डिस्काउंट पर एन एम कन्वर्टेबल क्वार्टरली सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या होगा ध्यान देना आ, यहां से जो आई आ रहा है ना सो वन प्लस आई टू दावर फोर बाई टू वन प्लस फोर बाई ट्वेल्व इंटू आई समझा एल एच एस वाला आई में डाल देंगे जो आया और उससे आरएचएस वाला आई निकालेंगे बताओ कितना कितना आ रहा है सॉल्व करिए इसको बताइए कितना कितना आ रहा है सॉल्व करिए इसको और बताइए कितना कितना आ रहा है आराम आराम से सॉल्व कर बताओ कितना कितना आ रहा है तो आई कितना आ रहा है जीरो पॉइंट जीरो एट फाइव डबल सिक्स नाइन जीरो पॉइंट जीरो एट फाइव डबल सिक्स नाइन फिर उसके बाद आई टू बोलो जीरो पॉइंट जीरो एट थ्री ठीक है फिर डी फोर बोलो जीरो पॉइंट जीरो एट वन थ्री ठीक है फिर ये वाला सिंपल इंटरेस्ट वाला आई बोलो बोलो जीरो पॉइंट जीरो एट ये बोला आया सबका बोलो ऑनलाइन में सबको यहां तक क्लियर है यस और नो आज हमारे साथ जुड़े हैं सक्षम अंजलि पूजा आयुष पूर्वी भूमि पलक कैवान मुस्का नंदिका रौनक नंदिनी पंकज मिताली जिया मिनियन स्टार आर साईप्रिया आजाद चांद अवनी धानुका अभिनव आयान कनिष्का अस्मिता विधि ठीक है सो फाइव मिनट्स, ड्रिंक्स ब्रेक स्ट्रेटेजिक टाइम आउट